मालिकों से प्रार्थना करता हूँ, बहुत नम्रता से, बहुत आदर से, बहुत इत्मीनान से आप सबके प्रति मान सम्मान रखते हुए सूर्य नगरी के इन सब वासियों से, जहाँ से राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, आपके चहेते व्यक्ति हैं, लेकिन मेरी हकीकत भी आज आप जरूर सुन लेना और उसके बाद फैसला करना कि वास्तव में गुलाब चंद कटारिया ने जो कुछ कहा उसमें कुछ सच्चाई है कि नहीं। आपने सरकार की चाबी दी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, ए मुल्क के मालिक, ये जो खजाना है जयपुर का, ये गुलाब चंद कटारिया का नहीं है, अशोक जी गहलोत का नहीं है, ये वसुंधरा जी का नहीं है, ये सुषमा जी का नहीं है, ये मनमोहन सिंह का नहीं है, ये हिंदुस्तान की इस करोड़ों जनता के टैक्स के खून पसीने के पैसे से बनने वाला खजाना है जो जयपुर में। खजाने के मालिक तो आप सब बैठे, उसमें मैं भी एक हिस्सेदार हूँ। खजाना आपका है, दिल्ली का भी और जयपुर का भी, और जो आप टैक्स का पैसा देते हो, खजाने में जो पैसा जमा कराते हो, 5 साल के लिए आप अपना एक मुनीम रखते हो, जिस पार्टी को बहुमत मिलता है वो आपका मुनीम होकर के हिसाब किताब रखता है। ध्यान से खर्च करो, चिंता करो, गरीब की, गांव की, किसान की, बेरोजगार की, महिला की, पुरुष की, इनकी चिंता करके योजना ऐसी बनाओ कि तुम्हारा ये खजाना इस ढंग से खर्च हो कि राजस्थान तरक्की करे, गरीब को न्याय मिले, गरीब को रोजगार मिले, गरीब ठीक प्रकार से अपना जीवन, इसके लिए आपने खजाना दिया। अब मैं आपको, चूंकि आपने मुझे प्रतिपक्ष में भेजा, इस काम के लिए भेजा कि इनकी देखभाल करना, भैया सरकार तो ये चलाएंगे, खजाने की चाबी इनके पास है, लेकिन हिसाब किताब का ध्यान रखना और ये डंडा लेकर के प्रतिपक्ष में तुम खड़े रहना, जब कभी भी ये गलत काम करता है तो जनता को भी सचेत करना, विधानसभा में सचेत करना, राजस्थान की जनता के सामने अपनी बात रखना, इसके लिए आपने मुझे प्रतिपक्ष में भेजा है। मैं अब आपके सामने हिसाब रख रहा हूँ और मैं इस बात की चुनौती दे रहा हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री को, मेरी अगर एक बात भी गलत हो तो कल सवेरे आप मेरे सवाल का जवाब दे देना। राजस्थान की जनता ने 5 सालों में 18,000 करोड़ रुपया दिया 9-10 में, उसके बाद दिया 24,000 करोड़ रुपया, उसके बाद दिया 29,000 करोड़ रुपया, उसके बाद दिया 36,000 करोड़ रुपया और अब की बार बजट दिया है 40,500 करोड़ रुपये का। इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो 1,59,000 करोड़ रुपया आपके टैक्स का पैसा राजस्थान के खजाने में जमा हुआ। इस पैसे का उपयोग क्या किया, किसके लिए किया, ये पैसा आपने किसके लिए दिया, कि स्कूल में मास्टर लग जाए उसके लिए दिया क्या, लग गया? आपने ये पैसा इसलिए दिया कि अस्पताल में डॉक्टर लग जाए, लग गया क्या? आपने ये पैसा इसलिए दिया कि सड़क के खड्डे निकल जाए, सड़क बन जाए क्या, बन गई क्या? आपने पैसा इसलिए दिया कि तार के अंदर बिजली का करंट आ रहे, कागज में नहीं आ रहे क्या, आया क्या? इन बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले इसके लिए पैसा दिया? राजस्थान में कानून व्यवस्था ठीक प्रकार से चले इसके लिए आपने पैसा दिया? सरकारी अधिकारी हमारी हजामत नहीं करे इसकी देखभाल के लिए इसको पैसा दिया? क्या वास्तव में इन पैसों का उपयोग हुआ? मैं आज पूछना चाहता हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री से और तुम्हारी पूरी नगरी में पूछना चाहता हूँ, दीदी तुम्हारी उपस्थिति में पूछना चाहता हूँ, 1 साल का भी तो तुम बजट बता दो, जो पैसा तुम्हें राजस्थान की जनता ने अपने खून पसीने से दिया उसका उपयोग किया क्या? पहले साल में तुमने 2,000 करोड़ रुपया खर्चा नहीं कर पाया 18,000 के अगेंस्ट में, दूसरे साल तुमने 24,000 करोड़ रुपया दिया, उसमें 3,000 करोड़ रुपया तुमने बचा दिया, तीसरे साल तुमको हमने 29,000 करोड़ रुपया दिया, 4,200 करोड़ रुपया बचा दिया, और उसके बाद चौथा साल जो अभी भी खत्म हुआ 31 मार्च 2013 उसमें आपको 5,400 करोड़ रुपया राजस्थान के बजट का खर्च नहीं हुआ, और ये खर्च नहीं हुआ, और अब की बात जो बजट आपके सामने आया है चौथा, इसमें आपको सुनकर हैरानी होगी। मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ, वोट आप किसे देंगे किसे नहीं देंगे आपकी मर्जी हो जिसको देना, पर कम से कम आपके मुनीम का चोपड़ा तो निकालो, कम से कम आप अपने मुनीम का चोपड़ा तो निकालो यार, देखो तो सही हिसाब तो मिलाओ यार, जो तुमने पसीने का पैसा दिया उसका उपयोग हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये कोई व्यापारी अपनी दुकान पर कोई मुनीम रखता है ना, हर दिवाली के दिन हिसाब जोड़ता है और जोड़ने के बाद लगता है कि मुनीम ने कमा करके दिया है, मुनाफा दिया है, तो मुनीम की तनख्वाह बढ़ाई जाती है, और अगर मुनीम ने अंदर इधर टाका मारने का धंधा किया है तो दिवाली के बाद मुनीम का काला मुंह करके बाहर निकाल देता है। ए मुल्क के मालिक, ए
1,000 करोड़ रुपया जो तेरे दिया, अगर इस सरकार ने तुम्हारा अंदर ही अंदर टाका मार करके इस देश को और प्रदेश को बर्बाद किया हो तो कम से कम इस मुनीम को भी सजा देने की जरूरत पड़ती है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? आज गुलाब चंद कटारिया मुख्यमंत्री होगा, कल कोई तीसरा होगा, कम से कम 5 साल में हिसाब किताब तो जोड़ो रहे यार। जो कम से कम पैसा हमने दिया है उसका खर्चा ठीक ढंग से हुआ कि नहीं हुआ, उसमें कोई बेईमानी तो नहीं हुई, उसमें उसका एक से लूट खोल तो नहीं हुई। और अगर इस हिसाब से अगर लगाए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री को चुनौती देता हूँ इस बात की कि तुमको इतना पैसा देने के बाद भी तुमने मेरे स्कूल में मास्टर नहीं लगाए, जिसके कारण से मेरा बच्चा आज सरकारी स्कूल में रो रहा है। और आपको और सुनकर दादी होगा, ये बहुत बड़ी बड़ी ढींगे हाथ से मैं ये कराऊ मैं कराऊ, मैं लगातार 4 अप्रैल से आज दिन तक इस बात की इनसे आगाह कर रहा हूँ, मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ, उनसे निवेदन कर रहा हूँ। अरे यार, ये 2 मंच बनाने की क्या जरूरत है? ये जनता सूर्य नगरी की तेरी भी है, ये सूर्य नगरी की जनता मेरी भी है। तू अपने हिसाब किताब टोपड़े लेकर के आ जा और अपनी सारी की सारी इज्जत जनता को बचा, मैं अपना वही खाता लेके आता हूँ और तेरे को हिसाब देता हूँ। ये जनता फैसला करेगी कौन वास्तव में सच कहता है और कौन केवल हमको भड़काता है। आपको सुनकर हैरानी होगी, राजस्थान का मुख्यमंत्री इस साल के बजट में से मैंने एक प्रश्न लगाया था, उसमें कहा था 36,000 करोड़ में से 31 जनवरी 2013, एक तारीख याद रखना, 31 जनवरी 2013 तो अभी गई है, कितना खर्चा कर दिया 36,000 करोड़ में? इसने कहा मैंने 19,965 करोड़ रुपया खर्च किया, बचा कितने देर पास 16,000 करोड़ रुपया बचा लिया। और 16,000 करोड़ रुपया कितने महीने में खर्च करेगा? फरवरी और मार्च में खर्च करेगा। साल भर खर्च करता है 2,000 रुपया महीने के हिसाब से 10 महीने में खर्चा करता है 19,000 करोड़, और अब ये हमारा खर्चा करेगा 16,000 करोड़। ये 16,000 खर्च नहीं होगा, ये सारा सामान खरीदेंगे, उसमें से कमीशन चोर कमीशन खा जाएगा, कोई सीमेंट खा जाएगा, कोई शक्कर खा जाएगा, कोई घास खा जाएगा, कोई टेलीफोन के तार खा जाएगा, कोई ट्रक खा जाएगा। इन ढंग से इस देश को लूटा जा रहा है। और उसके बारे में कांग्रेस बड़ी टीम मारती है कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये इतना पैसा और कितना कर्जा है आपके ऊपर? नहीं, कोई बताता नहीं है कांग्रेस का नेता। मैंने कहा तू ये बता, राजस्थान के आज की तारीख में राजस्थान की 7 करोड़ जनता पर कर्जा कितना है? 1,30,000 करोड़ रुपया जो सरकारी कर्जा है, और 60,000 ये जो बिजली कंपनियां है ना, ये 15,000 करोड़ पे हमने छोड़ा था, और इसने आज की तारीख में 60,000 करोड़ के बिजली डिपार्टमेंट को ये 2,00,000 करोड़ रुपए के कर्जे में राजस्थान, आप और मैं हूँ, आपका जो बच्चा कल पैदा होगा ना, ये बच्चा 24,000 रुपए में एक तरह से कर्जदार बनकर खड़ा हो गया, जो देश को कर्जे से नहीं बचा सकता, जो पैसा उसे मिला उसका विकास नहीं कर सकता। और इससे भी एक आश्चर्यजनक आंकड़ा देता हूँ, मैं मीडिया से प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मीडिया ने आज तक मेरी बात नहीं लिखी। मुझे केवल इतनी बात बता दे, इस व्यक्ति ने 2008 से लेकर 2011 तक 24,000 करोड़ रुपया कर्जा लिया, 24,000 करोड़ रुपया, और इसमें से एक फुट्टी पाई इसने खर्च नहीं की, एक फुट्टी पाई खर्च नहीं की, और उसके ब्याज के एवज में इसने 300 करोड़ रुपया हमारे खजाने से और दे दिया। ये जो 24,000 करोड़ रुपया जनता के लिए दिया, अब वो खैरात बांटने में लगा रहा है, ये भी फ्री मिलेगा, ये भी फ्री मिलेगा, ये भी फ्री मिलेगा। ये राजनीति की गणित का एक स्थिति है, और लोकतंत्र को इस तरह से अगर लोग पैसों के आधार पर खरीदने का प्रयास करेंगे और अपने मतदाता को प्रभावित करेंगे, वो देश का विकास करेंगे या देश का सर्वनाश करेंगे? अगर यही सब पार्टियां करना शुरू करेगी तो देश का क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा? और कहते हैं काम बड़े दूध के दूधे हैं। मैं सूर्य नगरी में बैठा हूँ, दीदी सामने बैठी है, इन दीदी का ही प्रश्न था, और प्रश्न ये था कि यहाँ जो खाने अलॉट की गई थी, वो खाने अलॉट करने का गलत तरीके से खाने अलॉट की गई थी, अपने भाई भतीजों को यहाँ की सारी खाने अलॉट हुई थी। विधानसभा में प्रश्न उठा इस बात का, इन खानों का अलॉटमेंट का, मुख्यमंत्री जी खड़े हुए और बड़े अपने आप को सत्यवादी हरिश्चंद्र बताकर ये कहा था कि मैं ये सारी फाइलें गुलाब चंद कटारिया विपक्षी दल के नेता को देता हूँ, अगर इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ हुई हो तो गुलाब जी जो निर्णय करेंगे उसको मैं मानूंगा। उस दिन मैं आश्चर्यचकित रह गया, एक सदन
फाइलें सारी उठा करके देखी, मैंने अपने से दो कमियां पकड़ के बताई इनको। मैंने कहा ये 5 हेक्टेयर की जमीन का जो एरिया था, इसको आपने कैबिनेट में ले जाकर और उनकी सदालत बंद करा था, उनकी जेल बंद करा था। राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस जेल पर बैठा था और 5 हेक्टेयर को घटाकर उन्होंने 1 हेक्टेयर किया। अगर 1 हेक्टेयर किया तो क्यों किया, इस सवाल का जवाब चाहिए। और इससे भी आगे देखिए, आपको ये माइक से देनी थी, लेकिन उन्होंने देखा कि अपने भाई भतीजे जिस एरिया में कटा लगा करके बैठे हैं, इसलिए उस एरिया का पर्टिकुलर नाम दिया कि जो इस एरिया में कटा लगा कर बैठे हैं उन्हीं को ये माइक से दी जाएगी और अपने भाई भतीजों को सबको दे दी। मैंने ये जांच रिपोर्ट राजस्थान के स्पीकर को अपने नोट के साथ भेजा और भेज के कहा इसमें वास्तव में गड़बड़ घोटाला हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए, विधानसभा के सदस्यों की कमेटी बनाओ, जांच कराओ। लेकिन उसने जांच नहीं कराई। राइट, दिन के दिन निकलते गए। सूर्यकांता जी ने स्वयं ने खड़े हुए, आपने देखा होगा भंसाली जी खड़े हुए, ये आखिर उस रिपोर्ट का क्या हुआ जो आपने माइंसों का अलॉटमेंट किया, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। और 22 तारीख के दिन जब हाउस का अंतिम दिन था और जंगलमन होने वाला था, सदन का समापन होने वाला था, उस दिन ये हरिश्चंद्र राजा खड़ा होता है और खड़ा होकर के माइक पे कहता है कि मैं गुलाब जी ने जो जांच की उस जांच में इनको संदेह लगता है कि इसमें गड़बड़ हुई है, मैं सारी माइक से निरस्त करता हूँ। क्या ये निरस्त करना इस समस्या का समाधान है? ये निरस्त करना क्या है? कोई चोरी कर जाए और पकड़ के थानेदार ले आए तो कहते मैंने 1 लाख लिया, ये 1 लाख वापस ले ले तो क्या उसको छोड़ दिया जाएगा? अगर गड़बड़ हुई है तो निश्चित रूप से हुई है, हर प्रकार का भ्रष्टाचार। और इससे भी ज्यादा आपको आश्चर्य होगा, इस राजस्थान के इस विश्वविद्यालय में जिस सूर्य नगरी में आप रहते हो, इस जोधपुर विश्वविद्यालय में जिन बच्चों की भर्ती की गई अभी विश्वविद्यालय में, जब आपने कहा था कि 25 दिसंबर 1912 को फार्म भरने की लास्ट डेट थी, उस लास्ट डेट को जो योग्यता बच्चा रखता था वही उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता था और उन बच्चों ने तो अप्लाई किया। लेकिन बाद में आपने देखा होगा चोर रस्ते से घुस करके जिन्होंने बाद में PhD की उसको उसमें अंदर डाल दिया, जिसने अपनी बाद में डिग्री की उसको उसके अंदर डाल दिया, और डालने के बाद जब सिलेक्शन होकर के लिस्ट निकली तो आपने देखा एक रात को एक लिस्ट चिपकाई गई थी, ये 200 बच्चे सिलेक्ट हो गए और उनको दूसरे दिन नौकरी पे चढ़ा दिया। वो गोल्ड मेडलिस्ट बच्चा रोता हुआ सड़क पर यह अनशन करके बैठा, एक उसके मालिक उस बच्चे के प्रति न्याय तो करे, आखिर ये क्या तमाशा हुआ है? योग्य बच्चा भर्ती नहीं। विधानसभा में इस सवाल को लाए हम लोग, हमने विधानसभा पूछा आखिर कारण क्या है, कोर्ट में भी गया तो हमको किसी प्रकार का न्याय नहीं मिला। हम इसकी गहराई में गए क्योंकि न्यायाधीशों के बच्चे उसमें सेलेक्ट हो गए थे, क्योंकि आपकी सिंडिकेट के जो लड़के मेंबर थे उनके बच्चे इसमें सेलेक्ट हो गए, जो राजनेता थे उनके बच्चे प्रोफेसर और लीडर बनकर बैठ गया। आखिर इस बच्चे ने क्या गुनाह किया जिसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया? जो टॉपर है वो बच्चा नौकरी से महरूम है, और जो योग्यता नहीं रखते हैं उनको तुमने नौकरी पे चढ़ा दिया, ये कौन सा भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? इस सवाल का जवाब चाहता राजस्थान।
मेरा गरीब किसान 5,000 का भी लोन लेने जाता ना तो सारा खेत गिरवे रख करके आता है। ये मुल्क का लोकतंत्र का तमाशा है। और आपने देखा होगा वो 35,000 की 40,000 की खरीदी हुई जमीन, और राजस्थान का ये मुख्यमंत्री अपने आप को बहुत पाक साफ कहता है, 6 महीने बाद इस बात की घोषणा करता है जहाँ ये वाड्रा ने जमीने खरीदी है यहाँ क्या उपयोग होगा, यहाँ सोलर एनर्जी बनेगी, सोलर एनर्जी का हब बनेगा। और जैसे ही सोलर एनर्जी का हब की घोषणा हुई, जमीन की कीमत बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। और ये जो हमारा वाड्रा जो दामाद आया, इतने सारी की सारी जमीन जो 10,000 हेक्टेयर जमीन थी, इसके ऊपर सीलिंग कानून लागू नहीं होता है। गरीब पर सीलिंग कानून लागू होता है, लेकिन इस पर सीलिंग कानून लागू नहीं होता। और इसने 10,000 हेक्टेयर जमीन खरीदी और बेचने का काम शुरू किया, 20 लाख में, 22 लाख में, 25 लाख में, 30 लाख में, और एक ही दिन में अरबपति और खरबपति बन गया। अगर ये अरबपति और खरबपति बनाने का काम आपकी सूर्य नगरी का जाएगा, आपका प्यारा नेता अगर राजस्थान के गरीब किसान को लूट कर एक बड़े दामाद को पैसे वाले बनाने का काम करता है, ये लोकतंत्र है या तमाशा है, इसके बारे में निर्णय एक जनता जनार्दन मुझे करना होगा। है ना, अगर वो अच्छा होता मेरे किसान को भी 5 लाख मिलता, 10 लाख मिलता, उसका बच्चा भी किसी कॉलेज में पढ़ता, लेकिन उसने 30 और 35 हजार में बेचकर। मैं इससे और पूछना चाहता हूँ, ये जिंदल बंधु कौन है जो भीड़वाड़ा में अवैध खनन कर रहा है? लगातार अवैध खनन हो रही है, लेकिन किसी की जीवन नहीं बोलती है। ये रोजाना का करोड़ों रुपए का आपका आयरन अर्थ है ना, वो ट्रकों में भर भर करके जा रहा है। मीडिया कभी बोलता है, कभी चुप हो जाता है, एक दो नहीं है ना, रोजाना का 10 करोड़ का ये जो हमारा लोहा है, कच्चा लोहा, वो ट्रकों में ले जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार न दिल्ली को दिखता है, न राजस्थान को दिखता है, क्योंकि जिंदल जिंदल वहाँ ऊपर बैठे हुए सब नेताओं का यहाँ दोस्त बनकर के बैठा हुआ है, इसे कोई छेड़ने को तैयार नहीं है। राजस्थान को चूना लग रहा है, राजस्थान के रोजगार को। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस सरकार का घोटालों का एक पूरा फिल्म बना सकता हूँ। अरे तुमने अपने 5 मंत्रियों को क्यों निकाला बता? तुम्हारे 5 मंत्रियों को क्यों निकाला? क्या वो सब दूध के धोए थे? आपने उन मंत्रियों को निकाला दागी होने के कारण से। आपने देखा होगा भमरी गार्ड में 2 भमरे फंस गए थे। और इसमें भी मुझे दुख इस बात का है, अगर सीढ़ी बनाई थी ना तो सीढ़ी तो 52 सीढ़ियां थी, 52 सीढ़ियों में से जो जो दुष्ट पाए जाते थे उन सबको अगर नंगा किया जाता तो हमारे मन को संतोष होता। केवल इन लोग को बात करके इस तरह से तुमने जनता को लात मारी है, जनता के मन को दुखाया है। केवल तेरे टारगेट दो ही थे, इस 52 सीढ़ी में कई तुम्हारे अधिकारी थे, कहा गई वो सीढ़िया बता तो सही रे, कम से कम तेरे हाथ में आई है, बस तू नहीं बताएगा। तूने 2 को लटका कर अपनी काबिलियत को साबित कर दिया है। तुमने देखा होगा तुम्हारा एक एक मंत्री का वो भारत देवी के चक्कर में गया, भीलवाड़ा का मंत्री, आपने देखा हो क्या तमाशा है। 13 मंत्रियों के विवाह बदले क्यों बदले गए थे? अगर ये ईमानदार थे तो बदलने की जरूरत क्या थी, और अगर ये बेईमान थे तो इसका जिम्मेदार कौन है? आपने देखा होगा राजस्थान की सरकार का 2 मंत्री, आपने देखा होगा हेमा राम सर क्या बोलता है, आपको पढ़कर के माथा पकड़ना पड़ा कि नहीं पड़ा। एक मंत्री ये कहता है कि सरकार के कामकाज कैसे हैं। अरे भरत सिंह कहता है मेरे इस पार्टी में न रहना, न इस पार्टी में चुनाव लड़ना, ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी, चरित्रहीनों की पार्टी बनकर खड़ी हो गई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये कांग्रेस बड़ी हैकरी करती है ना, मैं इनकी हैकरी को अभी बताता हूँ आपके सामने, कम से कम तेरी हैकरी का पता लग जाए। बात किस बात की? ये भ्रष्टाचार का राक्षस पैदा किसने किया? देश की आजादी के समय लोग सर अपना सर कटवाने जाते थे, देश की आजादी के समय अंग्रेज की गोलियां खाने जाते थे, देश की आजादी के समय 2 जन्म की कारावास भुगतने वाला वीर सावरकर अंडमान की जेल में बैल की जगह कोरू में बनता था और हंटर खाकर तेल निकालता था। क्या ये देश इसके लिए आजाद किया था? क्या भगत सिंह और चंद्रशेखर ने देश के लिए बलिदान इसलिए दिया था? क्या वीर सुभाष इसलिए मरा था कि 50-60 साल के बाद ये मुल्क चोर लुटेरे बदमाश चोरों का मुल्क बन के खड़ा हो जाएगा? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तुम्हारी पार्टी, इसका जिम्मेदार किसको बताओगे? है ना, 65 साल में से 69 साल तक दिल्ली में राज करो,
63 साल में से 59 साल कांग्रेस का प्रधानमंत्री बने, और अगर देश भ्रष्टाचार की भट्टी में जलकर खाक हो जाए तो तुम्हारे को दोष नहीं दूं तो बता किसको दूं? बिहारी को किसको बनाकर बताऊं? अरे अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान का 6 साल तक प्रधानमंत्री रहा और लोकसभा में रहा। आपने देखा होगा मुरारजी भाई देसाई के मंत्रिमंडल में मंत्री रहा। अरे कांग्रेस को तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया हो उस पंडित के ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी पर एक काला धब्बा लगा करके तो बताया। अटल बिहारी पर एक धब्बा तुम नहीं लगा सकते। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, तुम एक धब्बा नहीं लगा सकते। राजनाथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, तुम एक धब्बा नहीं लगा सकते। शिवराज सिंह राजस्थान मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, तुम एक धब्बा नहीं लगा सकते। तुम रमन सिंह पर नहीं लगा सकते। 3 बार भैरव सिंह राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा, एक धब्बा नहीं लगा सकते। वसुंधरा जी 5 साल तक मुख्यमंत्री रही, तो एक धब्बा नहीं लगा सका। और तेरी पार्टी को अगर इस जाजम पर बिठाओ ना और छाटने लगो तो 2 में से 1 काले करूट के इस मुल्क को लूटने वाले राजनेता बन जाएंगे। और उसके बाद भी हेमरी बात की हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। अरे भ्रष्टाचार की भट्टी में देश जल रहा है, मर रहा है, कौन रोएगा इसको? और आप गाली किसको देते हो? आप गाली देते हो पटवारी साहब को। क्यों? क्योंकि नकल के 500 रुपए मांग लिए। आपकी जेब से 500 रुपए गया ना, लीजिए पटवारी चोर। थानेदार 2000 रुपए ले लेता है तो चोर। आपने देखा होगा डॉक्टर 300 रुपए ले लेता है वो चोर। इंजीनियर चोर, सब चोर। अरे यार चोर पैदा होगा जिसका बाप चोर दिल्ली में बैठा है ना, उसकी औलाद चोर पैदा होगी। क्या कहना चाहते हो? अगर तुम भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हो, ए मुल्क के मालिक से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, ए भ्रष्टाचारी गुलाब चंद कटारिया हो चाहे लाखा चंद जी हो, ये सारे भ्रष्टाचारियों की मौत कहाँ होती है? ये मौत न बंदूक से मरते हैं न गोली से मरते हैं। ये राजनेताओं का प्राण आपकी वोट की पेटी में है, इन हत्यारों को मारो ताकि इस मुल्क को बचाया जा सके। सभा करने लगे। और आजकल राजस्थान का मुख्यमंत्री ऐसा चुरमखा बन करके बात कर रहा है, और चला कहाँ है? आपने देखा होगा रिफाइनरी लग रही है, रिफाइनरी लग रही है। कहाँ लग रही है? बाड़मेर में लग रही है, बाड़मेर में, इलाहाबाद में लग रही है। और वहाँ देश का प्रधानमंत्री आता है, एक चक्का घुमाता है, पीछे बढ़िया बिल्डिंग दिखती है, रिफाइनरी लग गई, रिफाइनरी लग गई। अरे तेरे पास जमीन ही नहीं थी तो देश के प्रधानमंत्री और सोनिया को बुलाकर ये नाटकबाजी करने की क्या आवश्यकता थी? तूने क्या किया, क्या कहा था? और उसके बाद थोड़े दिन बाद वहां जमीन खरीदी का पैसे कमा गए, और उसके बाद तुमने बचपद्रा को उसका टारगेट बनाकर फिर तुमने पैसे कमाने के लिए दे दिया। और हमारा इस टीवी पर रोज ये टीवी पर आता है रिफाइनरी भैया चलाता हुआ प्रधानमंत्री। अरे हे कहा यार, जमीन पे बता तो सही है कम से कम, ये क्या हो रहा है? आपके खजाने का पैसा ये टीवी पर दिखाने में चला जा रहा है, ये आपका कमाई का पैसा है। इस तरह से झूठे आश्वासनों के आधार पर चलने वाला लोकतंत्र ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और अगर ध्यान नहीं रखा ना तो मुल्क के मालिक तेरे आंखों के सामने तेरा देश बर्बाद हो जाएगा। और तू गाली देगा जनसंघ और बीजेपी को, तू गाली देगा कांग्रेस को, किसी को गाली देने की जरूरत नहीं है। अगर देश सुधरेगा तो तेरे वोट से सुधरेगा, और देश डूबेगा तो तेरे वोट से डूबेगा। सुधारना चाहे तो सुधार ले, नहीं सुधारना चाहे तो तेरी मर्जी। अभी आपने देखा होगा जायल में, नागौर के जायल के अंदर पहुंचे था, किसको बुला लाए? सोनिया गांधी को, क्योंकि वही देवी है। अगर तारणहार कोई है तो एक ही देवी है। आपको मुझे सुनकर बहुत अफसोस होता है, यानी हिंदुस्तान में जितनी योजनाएं चलती है वो राजीव गांधी जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी, इसके अलावा तो हिंदुस्तान में कोई नेता पैदा ही नहीं हुआ। अरे उस लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कौन कहेगा यार, जिसने 63 के जंग में पाकिस्तान को घुटने टिका दिए, उसके नाम से एक योजना इस हिंदुस्तान में नहीं चल सकती। उस सरदार पटेल के नाम से एक योजना नहीं चल सकती। अरे एक पागल पंडित अटल बिहारी वाजपेयी हुआ, जिसने हिंदुस्तान को सड़क से जोड़कर हिंदुस्तान की काया बदल दी, पर उसका नाम क्या रखा? प्रधानमंत्री सड़क योजना, अटल बिहारी सड़क योजना नहीं रखा। ये देश का कैरेक्टर, ये देश के हालात है। और आपने देखा होगा जायल में एक पत्थर लगाने के लिए गए, किसके लिए लगाया? हिमालय से पानी आएगा, हिमालय से। ये साला 4.5 साल में तो नहीं आता है, लाद के 2 दिन में आता है, 2 महीने बाकी रह जाता है तब पानी आएगा। पानी नहीं आएगा, भाटा आएगा, भाटा उसको अगरबत्ती जलाओ।
के, और इसलिए कई बार राजो गहलोत जी जब मुझे मिलते हैं कहते हैं आप थोड़ा भी बहुत कड़क बोलते हो। कड़क इसलिए बोलता हूँ कि मन में सोचता हूँ और मैंने विचार करता हूँ इस मुल्क के मालिक के नौकर के रूप में मेरी सारी गुलाब चंद कटारिया तनखा लेता है राज के खजाने से। ये जो गाड़ी में बैठ के आया है ये मेरे पिताजी की नहीं है, ये आपके पैसे से चलने वाली गाड़ी है। और उसके बाद जिस जंग का नाटकबाजी कर रहे, मैं सवाल पूछता हूँ जवाब देना तुम मुझे, मुझे जवाब देना है तुमने सूरतगढ़ में सोनिया गांधी को क्यों ले गया, किसके लिए ले गया? मेरा सुपर थर्मल पावर का शिलान्यास करने जा रहा हूँ। कौन सा सुपर थर्मल पावर? ये सुपर थर्मल पावर राजस्थान के मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष में बैठा हूँ, ये बजट घोषणा 8-9 में बजट में लिखा गया था कि सूरतगढ़ का 6 और 7वीं इकाई सुपर थर्मल पावर बनेगा। कब? 8 और 9 के बजट में। और यही नहीं, मैं इसको दावत देता हूँ इस बात की, मैं चाहता हूँ एक बार चुरी नगरी में आपका ये बेटा आपके प्रतिनिधि के सामने आमने सामने होकर एक बार अपना अपना हिसाब पेश करे वास्तव में इस देश में हो क्या रहा है। आपने देखा होगा इसका पहला टेंडर कॉल किया था, पहला टेंडर 2009 के दिसंबर में इसको टेंडर जारी हुआ और उस टेंडर में आपने देखा होगा ये टेंडर जब खोला गया था, पता नहीं मैं इतना बोलता हूँ लेकिन मीडिया में मेरा जगह नहीं है क्योंकि मैं किसी गरीब बाप का बेटा हूँ, इसके कारण से जगह नहीं मिलती, कोई चिंता नहीं, पर मैं अपनी मन का कष्ट जरूर कहूंगा। आपने देखा होगा दिसंबर में इसका टेंडर फ्लॉट किया था और अप्रैल 2010 में इसका टेंडर फाइनल हुआ। और लोएस्ट टेंडर किसका था? भेद का लोएस्ट टेंडर था। भेद, ये भेद कौन सी संस्था है? ये दिल्ली सरकार की सरकारी संस्था है जो इस सरकार के पावर स्टेशन बनाती है। भेद, उस भेद को आपने टेंडर के बाद भी, लोएस्ट टेंडर होने के बाद भी आपने वर्क ऑर्डर नहीं दिया। और आपको याद होगा प्रफुल्ल पटेल जो केंद्र का मंत्री है, उस मंत्री ने राजस्थान के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा कि मेरी भेद का लोएस्ट टेंडर है, फिर आपने हमको ये 2 सूरतगढ़ में और 2 छबड़ा में इन्हें 660 के 4 सुपर पावर हमको बनाने थे, उसका टेंडर क्यों नहीं दिया? इसने जवाब नहीं दिया, इसने पत्र का जवाब देना भी उचित नहीं समझा, एक केंद्र के मंत्री का जवाब देना उचित नहीं समझा। और बाद में आपने देखा होगा अभी 2012 के नवंबर में इसने वापस टेंडर फ्लोट किया, वापस टेंडर जारी किया और उसमें एक शर्त लगा दी, और ये शर्त ये थी कि एक कंपनी एक ही पावर स्टेशन स्थापित कर सकती है, एक से अधिक नहीं कर सकती। और इसके कारण से आपको लगा जो फेर को 4 मिलने थे 4 की जगह 1 मिला, 3 किसको मिला? 3 लाख को आपकी जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े सेठों की कंपनियां हैं, इसमें आपको आरबीआई से जो है कंपनी उसको मिला है। इन कंपनियों को दे करके राजस्थान को आपने 4 साल पीछे बिजली की तरफी से जॉब किया। एक किसान भाइयों, आप इतनी बड़ी तादाद में बैठे हो, राजस्थान का मुख्यमंत्री और बड़े बड़े पोस्टर लगाता है और ये कहता है मैंने 5 साल में तुमसे वादा किया कि बिजली का दाम नहीं बढ़ेगा। एक किसान भाई मेरी बात को मान ले, आज तू 2008 नवंबर का तेरे स्वयं के कुएं का बिल उठा और अभी 2012 का नवंबर का तेरे ही कुएं का बिल उठा और दोनों को एक साथ रख करके अपनी एक आंख से देख, तुझे पता लगता है ये 1.5 गुना तेरा बिल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हमारा घर का ऐसे का 1.5 गुना 2.5 गुना बिल बढ़ा दिया। बिजली के तार में करंट नहीं आता है, जब कागज का छूचिया डाल जाता है ना उनके हाथ लगाते सारा करंट मारता है। इस तरह से राजस्थान की दशा कर, ये राजस्थान का नौजवान इतनी बड़ी संख्या में बैठा है। ए नौजवान, तुझे सावधान करना चाहता हूँ, उसके बाद तेरी मन है जो करना कोई बात नहीं, अगर मेरे मुल्क को डूबने ही भाग्य में लिखा है तो तू और मैं दोनों हिंदू महासागर में डूब मरेंगे। अगर बचाना चाहता है बचा, ये क्या हो रहा है तमाशा? राजस्थान का मुख्यमंत्री ठीक मारता है और मैं इसको विधानसभा में बड़ा फर्क पूछ रहा हूँ, बता तो सही कि तूने 5 साल में कितने बच्चों को सरकारी नौकरी देने के विज्ञापन देने विधानसभा के बजट भाषण में बोला? तो उसने कहा गुलाब जी मैंने पहले साल 65,000 नौजवानों को नौकरी देने की बात की, दूसरे साल 70,000 को की, तीसरे साल 92,000 को की और चौथे साल 81,000 को की और ये 5वां साल जो अभी बजट हुआ है 1,45,000 नौजवानों को नौकरी दूंगा। मैंने कहा ये जोड़ कितना होता है? ये 4,05,000 होता है, 4,05,000 पद खाली, और वो भी बजट घोषणा, फालतू भाषण की घोषणा नहीं, बजट में जिनको कहा गया कि
कितने कॉन्स्टेबल भर्ती होंगे, कितने अध्यापक भर्ती होंगे, कितने डॉक्टर भर्ती होंगे, कितने कंपाउंडर भर्ती होंगे, कितने पटवारी भर्ती होंगे, इस जिसको 1,05,000 ये पद खाली है। मैंने दूसरा प्रश्न पूछा विधानसभा में, मैंने कहा आप ये बता दो मुझे कि आपने ये 4.5 साल में कितने बच्चों को सरकारी नौकरी लगाई। आप तो सुनकर हैरानियत होगी, 65,000 बच्चों को केवल सरकारी नौकरी इतने 4.5 साल में दी, 65,000। मैंने तीसरा प्रश्न लगाया, मैंने कहा आप मुझे एक बात और बता दो, ये जो 4.5 साल में जो 60 साल की उम्र के लोग हो गए, उनमें से कितनों को आपने सेवानिवृत्त किया। उन्होंने कहा 48,000 लोगों को सेवानिवृत्त, 65,000 कुल लगाए, 48,000 को घर भेज दिया, तो लगे तो 17,000 लोग ही। राजस्थान का मुख्यमंत्री 17,000 नौ बच्चों को रोजगार देता है। अगर राजस्थान के 4,00,000 बच्चों को रोजगार मिल जाता तो कम से कम उसके 5-5 परिवार के लोग बन जाते, उसका बूढ़ा बाप भी रोटी खा लेता, उसका नादान बच्चा भी रोटी खा लेता। तुम्हारे पास पद खाली है लेकिन तू भर्ती नहीं करता है अकेले राजस्थान में। मैं नौजवान तुझे सावधान करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे प्रतिपक्ष में भेजा है, इनका हिसाब किताब रखने के लिए भेजा है, वो हिसाब किताब के हिसाब में रख रहा हूँ। 1,14,000 मास्टरों के पद खाली है। कितना? 1,14,000। मैंने बच्चा रो रहा मास्टर के बिना, मास्टर रो रहा है नौकरी के बिना। हमारे तेरे जादूगर जादू क्या, क्या 1,14,000 मास्टर जहाँ नहीं हो वहाँ बच्चा क्या पत्थर पड़ेगा? और सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है? एक स्कूल के मालिक सावधान हो जा। हमने से जितने लोग यहाँ बैठे ना जो अच्छा अच्छा पेंट पे है, इन सबके बच्चे किसी टाई वाले स्कूल में जाते हैं। मेरे उस सरकारी स्कूल में कौन जाता है? वो गरीब का बच्चा जाता है, किसान का, वो मजदूर का बच्चा जाता है, वो पान के गल्ले पर बैठा उसका बच्चा जाता है, वो हजामत बनाता है उसका बच्चा जाता है, वो पॉलिश कराता है उसका बच्चा जाता है। जो मेरी माँ अपनी सब्जियां लेकर के घर घर रोती फिरती है, ए लेवरे सब्जी लेवर सब्जी, उसका बच्चा पढ़ता है। और वहाँ पढ़ाने के लिए मास्टर नाम की कोई चीज नहीं है। आए दिन स्कूल पर ताला लगा है, बच्चियाँ ताला लगा के खड़ी हो गई। इस मीडिया के सामने भी कितने विद्यालय आए होंगे या बच्चों ने रास्ता रोक करके अपने स्कूल को ताला लगा के कह दिया, ज्यादा केमिस्ट्री का अध्यापक नहीं, अंग्रेजी का अध्यापक नहीं, गणित का अध्यापक नहीं। और फिर बच्चा कहता है मैं पास हो रहा हूँ। क्या पास तो हो जाएगा, पर ये दो डंडे तेरे को जिंदगी भर रोएगा, इसका याद रख लेना मेरी बात को। ये जो तेरे 3 डंडे और 2 डंडे आ गए ना, ये तेरे 3 डंडे 2 डंडे तुझे जिंदगी भर तक सरकारी नौकरी नहीं देगा। इसका पट्टा गुलाब चंद कटारिया आज की शाम सभा में लेकर भी जा रहा, कैसे आएगा मेरे बच्चे के पद का? मेरा बच्चा फर्स्ट डिवीजन कैसे पास होगा? मास्टर के बिना पास होगा? बिना मास्टर के पढ़ाया पास होगा? अरे वो बच्चा कैसे भी कर करा करके 10वीं और 12वीं पास। और अब इतने चोर रस्ते से अपने लोगों को घुसाने का षड्यंत्र किया है। बीएड और एसटीसी के छात्र सावधान हो जाए, सरकार के कारनामों से सावधान हो जा। 8,00,000 बच्चों ने एसटीसी और बीएड की और राजस्थान में आज भर्ती के लिए रो रहा है। और इसने रास्ता क्या निकाला? रास्ता निकाला टेम्प्रेरी, ये निकाला 10वीं और 12वीं के नंबर जोड़ लो। जिस बच्चे के 10वीं और 12वीं में नंबर अच्छे हो उसको नौकरी पे आप एनडीसी भी उसी को लगा दो, मास्टर भी उसी को लगा दो। तो मेरा ये MBBS पढ़ा हुआ लड़का घर झग मारने जाएगा या किसी नदी का डूब के मरेगा? हमने RPSC के माध्यम से 1,00,000 लोगों को भर्ती किया था। पिछली सरकार के समय 1,00,000 मास्टर भर्ती किए, एक शिकायत दर्ज नहीं हुई। और अब आपके जो दो रस्ते से जो भर्तियां हो रही ऐसा भाई भतीजा चले जाएंगे। जब माई सारी जमीन को ऐसी दे सकते हैं तो सारे भाई भतीजों को गुजरने में क्या देर लगेगी? सारे के सारे यही गुजरे, न नौकरी दे सकता, न काम कर सकता। अब कहता मैं बिजली ला रहा हूँ, कहा से बिजली ला रहा? मैंने विधानसभा प्रश्न लगाया, मैंने कहा ये सरकार का अंतिम दौर चल रहा है, कम से कम इसे हिसाब किताब तो पूरा ले लो। मैंने कहा यार तुमने अपना एक काम बता दो यार, राजस्थान की सरकार और बिजली मंत्री जी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मेरे सवाल का एक जवाब दे दो। तुमने 4.5 साल में ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिसका भूमि पूजन तुमने किया हो और जिसकी उपलब्धि होकर के तुमने बिजली साल में दे दी हो उस जगह का नाम बताओ। उसने मुझे पूरी फहरिस्त दे दी, 4,865 मेगावाट बिजली जो इस सरकार के इन 4-4.5 साल में पैदा हुई। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट वसुंधरा जी के टाइम पर 2005 में, 2006 में, 2007 में, 2008 के दिसंबर तक जो हमने जिसका भूमि पूजन और काम शुरू किया वो बिजली तुमने पैदा किए। तुमने तो रामगढ़ के अंदर गैस आधारित 160 मेगावाट बिजली ये अशोक गहलोत जी
तुम कोई काम नहीं कर सकते, किसी प्रकार का तुम हिसाब किताब नहीं रहे। आश्चर्यचकित है, आपने कहा होगा, आपको लगता होगा यहाँ की वास्तव में गुलाब चंद कटारिया अपनी दुकान का सामान बेचता है। मैं कह सकता हूँ, हो सकता मैं अपनी दुकान का सामान अच्छा बताऊंगा, वो भी अपनी दुकान का सामान अच्छा बताए। अरे पारखी तो आप हो यार, रगड़ के देखो ना यार, सोना कौन सा है और कसीर कौन सा है, ये फैसला कहा कर सकते। इस बात का भी फैसला नहीं होगा। ए मुल्क के मालिक, मेरे सवाल का जवाब दे। अटल बिहारी वाजपेयी जब देश का प्रधानमंत्री था, चार बड़े काम करके गया अटल बिहारी वाजपेयी। याद करो भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में। ताकत मिलेगी, उनको काम करने की ताकत मिलेगी। धन्यवाद।